This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioned at Shalibanda, Hyderabad. AIMIM Chief Asaduddin Owaisi today visited Kurnool, Andhra Pradesh to campaign for the upcoming municipal election. He also opposed their Vizag steel plant's privatization joint AP bond called by protesting workers, JAC. Hyderabad MP announced that he will raise the issue in the upcoming parliament session. विशाखा का स्टील प्लांट प्राइवेटीकरण उसके खिलाफ आज आंध्रा बंद कर दी है, इसलिए आप ये हमारे की मदद से दो बात करने वाले हैं। मैं अपनी पार्टी MIM पार्टी की तरफ से आप तमाम के मैं साथ हूं और हमारा भी मोदी हुकूमत से ये डिमांड है कि विशाखा स्टील प्लांट को प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। और ये मोदी सरकार सिर्फ इंडस्ट्रियल प्राइवेटाइजेशन के नाम पर एक क्रोनी कैपिटलिज्म में इंडल्ज कर रही है अपने आप को, इसीलिए आपका एहतजाज पूरा सही है, प्रोटेस्ट सही है, हम आपके साथ हैं। और 8 तारीख से पार्लियामेंट जब शुरू होंगी दोबारा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हमारी पार्टी भी पार्लियामेंट के फ्लोर में इस मसले को उठाएगी। ये आंध्र प्रदेश का एक बहुत बड़ा मसला है स्टेट का, और बाइफर्केशन के बाद दो स्टेट बनने के बाद इस तरह से ये मोदी सरकार काम कर रही है, बिल्कुल गलत काम है और इनको अपना डिसीजन वापस लेना चाहिए। और इस प्रोटेस्ट में MIM पार्टी भी आपके साथ है। मैं आपका गफूर भाई अब्दुल गफूर साहब शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे, मैं जा रहा था धोनी, यहां पर आपने मुझे रोककर यहां पर आने की दावत दी। मेरी आपके तमाम को मेरी बेस्ट विशेष है, हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह हम मिलकर इस गवर्नमेंट के डिसीजन के खिलाफ लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब।